अध्याय तीन आदि मानव का पतन। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह कितना लुभावना है। इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु ईश्वर ने आदम से पुकार कर कहा, उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसको खाने से मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब ईश्वर ने सांप से कहा, क्योंकि तूने ये किया है तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा, तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वो तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। उसने स्त्री से यह कहा, मैं तुम्हारी गर्भावस्था का कष्ट बढ़ाऊंगा और तुम पीड़ा में संतान को जन्म दोगी, तुम वासना के कारण पति में आसक्त होगी और वो तुम पर शासन करेगा। उसने आदम से यह कहा, चूंकि तुमने अपनी पत्नी की बात मानी और उस वृक्ष का फल खाया है जिसको खाने से मैंने तुमको मना किया था, भूमि तुम्हारे कारण शापित होगी, तुम जीवन भर कठोर परिश्रम करते हुए उससे अपनी जीविका चलाओगी, वो कांटे और ऊंट कटारे पैदा करेगी और तुम खेत के पौधे खाओगे, तुम तब तक पसीना बहाकर अपनी रोटी खाओगे जब तक तुम उस भूमि में नहीं लौटोगी जिससे तुम बनाए गए हो, क्योंकि तुम मिट्टी हो और
मिट्टी में मिल जाओगी। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा क्योंकि वह सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। उसने कहा, भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है, कहीं ऐसा न हो कि वो जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। इसलिए प्रभु ईश्वर ने उसे अदन वाटिका से निकाल दिया और मनुष्य को उस भूमि पर खेती करनी पड़ी जिससे वह बनाया गया था। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया।